बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं, हम 10th क्लास फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है 12.5 द ह्यूमन आई। ये टॉपिक आपको एज अ लॉन्ग शॉर्ट पूछा जा सकता है और इसमें मौजूद इंफॉर्मेशन आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। लॉन्ग में ये क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। इसका आंसर आप लिखेंगे ह्यूमन आई से लेके डिस्टेंसेस तक। इसकी फर्स्ट लाइन में हमारे पास एमसीक्यू मौजूद है, ह्यूमन आई एक्ट लाइक अ कैमरा। सेकेंड वन इज ऑल्सो एमसीक्यूज, इन प्लेस ऑफ फिल्म द रेटिना रिकॉर्ड्स द पिक्चर। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ लेंस डैट ह्यूमन आई हैव। इसका आंसर आप लिखेंगे द ह्यूमन आई हैज़ आ रिफ्रैक्टिंग सिस्टम कंटेनिंग अ कन्वर्जिंग लेंस। नेक्स्ट लाइन में हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है। ये क्वेश्चन आपको इस तरह आ सकता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई। इसका आंसर आप लिखेंगे द लेंस forms an image on the retina which is light sensitive layer at the back of the eye। यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है, what is the difference between the camera and in human eye। इसका आंसर आप लिखेंगे in the camera से लेके focal length तक, in the camera the distance of the lens from the film is adjusted for a proper focus, but in the eye the lens changes focal length। Next one, हमारे पास एक और short question मौजूद है, what is cornea। इसका answer आप लिखेंगे light enter से लेके cornea तक, light enters the eye through a transparent membrane called cornea। Next one short question is about iris, what is iris। The iris is the colored portion of the eye and controls the amount of light reaching the retina। Next one definition is about pupil, it has an opening at its center called pupil। Next short question is, what is the function of iris। इसका आंसर आप लिखेंगे द इरिस कंट्रोल से लेके इज इन लार्ज तक, द इरिस कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल, इन ब्राइट लाइट इरिस कॉन्ट्रैक्ट द साइज ऑफ प्यूपिल, वाइल इन डिम लाइट प्यूपिल इज इन लार्ज। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्यूमिडेशन। ये क्वेश्चन आपसे लॉग में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपको पेपर में इस तरह आ सकता है, वट इज मीन बाय एक्यूमिडेशन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्यूमिडेशन इन ह्यूमन आई। इसका आंसर आप लिखेंगे द कैमरा फोकसेस से लेके इसकी डेफिनेशन तक। इस टॉपिक में से जो शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, फर्स्ट वन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिलियरी। इसका आंसर आप लिखेंगे सिलियरी मसल्स कंट्रोल्स द कर्वेचर एंड दस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस and allow object at various distances to be seen। यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट वन जो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन इस तरह आएगा, what happen when an object is far away from the human eye। इसका आंसर आप लिखेंगे if an object से लेके distant object तक, if an object is far away from the eye the deviation of the light through the lens must be less, to do this the ciliary muscles relax and decrease the curvature of the lens thereby increase the focal length, the ray are thus focused on the retina producing a sharp image of the distant object। Next one short question is, what happen
When an object is close to the eye, इसका आंसर आप लिखेंगे if an object से लेके on the retina तक. If an object is close to the eye, the ciliary muscle increase curvature of the lens, thereby shortening the focal length. The divergent ray from the near object are thus bent more and so come to the focus on the retina. Next one short question is, what is accommodation? इसकी definition आप लिखेंगे the variation से लेके accommodation तक. The variation of focal length of eye lens to form a sharp image on retina is called accommodation. Next one short question is, how the defects in accommodation corrected? इसका आंसर आप लिखेंगे defects in accommodation may be corrected by using different type of lenses in eye glasses. यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे. Next one हमारे पास टॉपिक है near point and far point. ये क्वेश्चन आपसे शॉर्ट और एमसीक्यू में पूछा जा सकता है. फर्स्ट वन शॉर्ट क्वेश्चन इन दिस टॉपिक इज नियर पॉइंट ऑफ द आई. ये क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय द नियर पॉइंट ऑफ द आई. इसका आंसर आप लिखेंगे ये ब्लू ब्लॉक कंप्लीट. द नियर पॉइंट ऑफ द आई इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई एट विच इट प्रोड्यूसेस अ शार्प इमेज ऑन रेटिना. नेक्स्ट पैराग्राफ में हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है. ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जाएगा हाउ द वैल्यू ऑफ नियर पॉइंट वेरी फॉर डिफरेंट पीपल्स. इसका आंसर आप लिखेंगे फॉर पीपल से लेके एज 60 ईयर्स तक. फॉर पीपल इन देयर अर्ली 20s विद द नॉर्मल वीएन द नियर पॉइंट इज लोकेटेड अबाउट 25 सेंटीमीटर from the eye. It increases to about 50 centimeter at the age of 40 years and to roughly 5 centimeter at the age of 60 years. Next one short question is far point of the eye. ये question आपसे इस तरह पूछा जा सकता है what is meant by far point of the eye. इसका answer भी आप ये complete blue block लिखेंगे. The far point of the eye is the maximum distance of a distant object from the eye on which the fully relaxed eye can focus. यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे. Next one short question is what is the value of far point for different persons? इसका आंसर आप लिखेंगे a person से लेके in this sense तक. A person with normal eyesight can see objects very far away such as planets and star and thus has a far point located at infinity. Majority of people not have normal eye in this sense. Next one short question is about contact lens. ये question आपसे इस तरह पूछा जा सकता है what do you know about contact lens या what are the contact lenses and their uses. इसका answer आप लिखेंगे ये complete side block. Next one topic is 12.16 defects of vision. ये question आपको long और short दोनों में पूछा जा सकता है. लॉन्ग में ये क्वेश्चन आपको इस तरह आ सकता है एक्सप्लेन डिफेक्ट्स ऑफ वीएन या राइट अ ब्रीफ नोट ऑन नियर साइटेडनेस एंड फॉर साइटेडनेस. इसका आंसर आप लिखेंगे द इनएबिलिटी ऑफ आई से लेके ऑन द रेटिना तक. इस टॉपिक में से जो शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो इस तरह आएगा What is defects of vision? इसका आंसर आप लिखेंगे The inability of the eye to see the image of objects clearly is called defects of vision. Next short question is What is the cause of defects of vision? इसका आंसर आप लिखेंगे The defects of vision arise when the eye lens is unable to accommodate effectively the image forms and therefore blurred. यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे फर्स्ट वन डिफेक्ट्स इज कॉल्ड नियर साइटेडनेस और मायोपिया.
ये क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जा सकता है, व्हाट इज मीन्ड बाय नियर साइटेडनेस एंड हाउ नियर साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड। इसी तरह आपसे मायोपिया के हवाले से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन मायोपिया। इसका आंसर आप लिखेंगे सम पीपल से लेके शार्प इमेज तक। फर्स्ट वन शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको इस टॉपिक से पूछा जा सकता है, व्हाट इज मीन्ड बाय नियर साइटेडनेस और मायोपिया। इसका आंसर आप लिखेंगे सम पीपल कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विदाउट एड ऑफ स्पेक्टिकल्स, दिस डिफेक्ट ऑफ वीजन इज नोन एज शॉर्ट साइट और नियर साइटेडनेस। इट मे बी ड्यू टू द आई बॉल बींग टू लॉन्ग, लाइटर फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना एंड अ ब्लर इमेज इज प्रोड्यूस। यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट वन हमारे पास है साइड ब्लॉक। ये क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जाएगा, विच एबिलिटी मेक्स सम एनिमल्स लाइक फिश टू सी क्लियरली ऑब्जेक्ट्स अराउंड देम। इसका आंसर आप लिखेंगे ये कंप्लीट साइड ब्लॉक, सम एनिमल्स लाइक फिश हैज एबिलिटी टू मूव देयर आई लेंसेस फॉरवर्ड और बैकवर्ड एंड हैंस आर एबल टू सी क्लियरली ऑब्जेक्ट्स अराउंड देम। नेक्स्ट वन शॉर्ट क्वेश्चन इज हाउ द नियर साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड। इसका आंसर आप लिखेंगे द नियर साइटेड आई से लेके शार्प इमेज तक। नेक्स्ट वन टॉपिक इज फॉर साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया। ये क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन फॉर साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया। इसका आंसर आप लिखेंगे द डिसेबिलिटी से लेके ऑन द रेटिना तक। इस टॉपिक में से जो शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो इस तरह आएगा, व्हाट इज मीन्ड बाय फॉर साइटेडनेस। इसका आंसर आप लिखेंगे द डिसेबिलिटी ऑफ द आई टू फॉर्म डिस्टिंक्ट इमेजेस ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट्स ऑन इट्स रेटिना इज नोन एज फॉर साइटेडनेस। नेक्स्ट वन शॉर्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रीजन ऑफ फॉर साइटेडनेस। इसका आंसर आप लिखेंगे व्हेन अ फॉर साइटेड आई ट्राइज टू फोकस ऑन अ बुक हेल्ड क्लोजर देन द नियर पॉइंट इट शॉर्टन्स इट्स फोकल लेंथ एज मच एट इट कैन। हाउएवर इवन एट इट्स शॉर्टेस्ट द फोकल लेंथ इज लॉन्गर देन इट शुड बी, देयरफॉर लाइट रेज फ्रॉम बुक वुड फॉर्म अ ब्लर इमेज बिहाइंड द रेटिना। यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट वन हमारे पास है साइड ब्लॉक। इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जा सकता है, व्हाई अ थिन फिल्म इज प्लेस्ड ऑन द लेंसेज ऑफ आई ग्लासेस। इसके आंसर में आप ये कंप्लीट साइड ब्लॉक लिखेंगे रिफ्लेक्टेड लाइट तक। लास्ट वन शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से जो आपसे पूछा जा सकता है वो इस तरह आएगा, हाउ द फॉर साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड। इसका आंसर आप लिखेंगे दिस डिफेक्ट से लेके ऑन द रेटिना तक। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।